पाकिस्तान में लोग कंपैरिजन काफी करते हैं, चाहे अपने बच्चे के रिजल्ट का पड़ोसी के बच्चे के रिजल्ट से, मेसी का रोनाल्डो से या बाबर का कोहली से। एंड इफ यू टॉक अबाउट फूड तो हमारे मुल्क के अंदर काफी कंपैरिजन चल रहा है कबाबजी फ्राइड चिकन और KFC फ्राइड चिकन का। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग इज के ये मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप बाइकआउट करो KFC का या बाइकआउट ना करो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप करोगे तो आपकी मर्जी, नहीं करोगे तो भी आपकी मर्जी। तो सीन इज दैट कि आज मैं जाके कबाबजी फ्राइड चिकन ट्राई करूंगा और उसको KFC से कंपेयर करूंगा ये किसका फ्राइड चिकन अच्छा है। और कहानी का आगाज कुछ यहाँ से होता है कि आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं फ्राइड चिकन ट्राई करूँ। मैंने कहा आज कुछ नया फ्राइड चिकन ट्राई करते हैं, तो मैंने सोचा आज जाते हैं कबाबजी फ्राइड चिकन। तो इसको कबाबजी फ्राइड चिकन कहा जाता है जिसकी बात आजकल सभी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जाकर गेट खोला, थोड़ा सा वॉलपेपर चेक करा और मैंने डिस्प्ले की तरफ देखा कि क्या ऑर्डर करना है। तो मेन बात यह है कि यहाँ का एम्बियंस काफी अच्छा था, मतलब काफी सुकून दे एम्बियंस था कि मैं अकेला आकर या प्रॉपरली खा सकता हूँ। तो भाई सीन ये कबाबजी फ्राइड चिकन पे आ गया हूँ और फ्राइड चिकन खानी है और ऑर्डर मैंने कर दिया। मेरा ऑर्डर आने लगा, मेरा गला ख़राब है और शोर काफ़ी हो रहा है तो आवाज़ थोड़ी ख़राब आएगी। तो सीन इज़ दैट कि मेरा ऑर्डर आ रहा है, मैंने भाई को स्लिप दे दिया, सेल्फ सर्विस नहीं है या भाई लेकर आ जाते हैं, अगर आप ऊपर आके बैठे हो आप उनको ऑर्डर दो तो वो ले आते हैं। तो सीन इज़ दैट कि ऑर्डर आ रहा है और मैं वेट कर रहा हूँ, भूख से जान जा रही है। एक बर्गर ऑर्डर करा है, साथ फ्राइड चिकन ऑर्डर करा है, दोनों ट्राई करेंगे और घर जाकर रिव्यू भी करेंगे। तो सीन इसके ऑर्डर का वेट करते हैं और फिर करते हैं बाद आपसे। तो मैंने एक डील ऑर्डर करी थी जिसके अंदर जिंगर बर्गर था, फ्राइड चिकन था, कोल्सलॉ था, फ्राइज भी थी और पेट का साइज देखते हुए मैंने एक फ्राइड चिकन और ऐड करवा दिया। तो ये फ्राइड चिकन नजर आने में तो काफी अच्छी लग रही है और लग रहा है कि KFC को टक्कर पूरी है। अब खा कर ट्राई करते हैं कि खाने में कैसी है। और साथ में ये कोल्सलॉ भी है जिसको लगाकर मजा डबल ट्रिपल हो ही जाता है। और ये जिंगर देख रहे हो क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है, पर खाकर चेक करते हैं टेस्ट कैसा है। तो सीनेस के ऑर्डर आ गया और मैं अब ऑर्डर ट्राई करने लगा हूँ और उम्मीद मेरी काफ़ी ज़्यादा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और ये खा कर ही पता चलता है कि किस तरह का होगा। तो ऑर्डर ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं कैसा है। ऑर्डर आ गया और मैं अब ऑर्डर खाने लगा और खाकर चेक करते हैं ऑर्डर कैसा है। उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, तो खाते हैं और फिर बताते हैं कैसा। तो ये फ्राइड चिकन आप देख रहे हो, फ्राइड चिकन उसे कहा जाता है जिसको देखकर आपका बिगड़ा हुआ मूड भी ठीक हो जाता है। आप खा कर चेक करते हैं कि KFC को टक्कर है या नहीं है। और इस बर्गर को खाते ही दिल से एक ही आवाज आई कि लग रहा है कि KFC के माइटी का छोटा भाई मिल गया, जो बिल्कुल एक जैसा नहीं है पर ज्यादा फर्क भी नहीं है। चिकन काफी प्रॉपरली कुक हुई है, काफी क्वालिटी का ख्याल रखा गया है, तो मेरी तरफ से तो भाई दिल खुश हो गया। तो मेन चीज मेरे हाथ में है जिसको फ्राइड चिकन कहा जाता है। क्रेविंग काफी ज्यादा हो रही है फ्राइड चिकन खाने की क्योंकि मैंने काफी टाइम से नहीं खाई। तो इसी को हम आज मेन ट्राई करने आए थे कि यार ये KFC जैसी है या नहीं है, तो ट्राई करते हैं और बताते हैं फिर। तो फ्राइड चिकन ट्राई करी जो काफी टेस्टी थी, काफी मजे की थी, बस थोड़ी ऑयली ज्यादा थी और टेस्ट अच्छा था। ऑनेस्टली सेम KFC वाली वाइब तो नहीं थी, लाइक वो थोड़ा ऊपर ज्यादा है, बट मैं ये कहूंगा कि मुकाबला टफ है। अदरवाइज फ्राइड चिकन मजे की थी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाकर ट्राई आप कर सकते हो। जैसे मैं पहले काफी बार बता चुका हूँ कि मैं खाना खाने में इतना मसरूफ होता हूँ कि मुझे होश नहीं होता। और मैंने साथ में अल्बेक सॉस भी ऑर्डर करी थी जो मैंने ओपन नहीं करी, चेक कर रहे हो फिर। और इनकी अल्बेक सॉस के साथ फ्राइड चिकन खाने का मजा थोड़ा ज्यादा है। और फिर मैंने इसको फ्राइड चिकन के साथ ट्राई करा, अल्बेक सॉस और फ्राइड चिकन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था और मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको फ्राइड चिकन खाना है तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। और आखिर में मैंने बाहर जाकर ये वॉफल खाया क्योंकि मीठा खाना मेरे लिए काफी जरूरी है।
इन कंपैरिजन पे आते हैं कि फ्राइड चिकन किसकी ज़्यादा अच्छी थी, तो मैं यही कहूँगा कि फ्राइड चिकन KFC की ज़्यादा अच्छी थी। सो आई ऑर्डर अ डील जिसके अंदर जिंगर बर्गर था, फ्राइड चिकन थी, कोल्सलॉ था और रेगुलर फ्राइज थी। तो मेरे पेट का साइज़ थोड़ा ज़्यादा था, मैंने अपने पेट का साइज़ देखते हुए एक फ्राइड चिकन और ऐड करवा दिया क्योंकि मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लगती। जो प्राइस थे वो थोड़े से हाई थे KFC से, लाइक 19-20 ज़्यादा थे। बात करें क्वांटिटी की तो KFC से 19-20 कम थी, तो सीन इज दैट के नॉट लाइक KFC बट अच्छा था। फ्राइड चिकन थोड़ी सी ऑयली थी, अगर वो थोड़ा सा ऑयल कम कर दें और थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव कर दें तो KFC को टक्कर पूरी है। और जिंगर बर्गर टेस्टी काफ़ी था, जिंगर बर्गर को रेट करूँगा 10.8 और फ्राइड चिकन को रेट करूँगा 10.7। बट इनकी फ्राइड चिकन भी बुरी नहीं थी, इनकी फ्राइड चिकन भी अच्छी थी। बट अगर आप कंपेरिजन कर रहे हो तो मैं उसमें बता रहा हूँ, अदरवाइज अगर आपको फ्राइड चिकन की क्रेविंग होती है, आप रोज खाना चाहते हो, तो ज़रूर एक बार जाकर ट्राई करना। थोड़ा सा फर्क था, लाइक अगर फर्स्ट करो मैं कहूँगा कि 3-4 नंबर पीछे थी। देखो अगर आप बाइकआउट कर रहे हो तो आप एक कॉज की वजह से बाइकआउट कर रहे हो, तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ बनता है। उम्मीद करते हैं कि थोड़े टाइम में ये भी अच्छी हो जाएगी। मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे तो मिक्स थे, कोई बुरे कह रहा था कोई अच्छे कह रहा था। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मुझे काफ़ी मज़ा भी आया। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फ्राइड चिकन के लवर तो एक बार ज़रूर कबाब जी फ्राइड चिकन लाजमी ट्राई करना।